खेसारी लाल यादव के निशाने पर एक बार फिर आए पवन सिंह। पवन सिंह पर खेसारी लाल यादव ने लगाए गंभीर आरोप। तो आखिर क्या वजह है जिससे खेसारी लाल यादव एक बार फिर से भड़क गए हैं पवन सिंह पर, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल खेसारी लाल यादव पवन सिंह पर भड़कते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि उनसे ये सवाल किया गया था कि जो लोग भोजपुरी को गाली देते हैं, भोजपुरी कलाकार को गाली देते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। तो इसके जवाब में खेसारी लाल यादव ने कहा कि मुझे भी ये बुरा लगता है कि आप इनकी इतने भी नीचे नहीं गिर सकते कि धरती खुद कर उसी में घुस जाए। खेसारी को जो गाली देता है, खेसारी के परिवार को जो गाली दे रहा है, पूरे भोजपुरी को जो गाली दे रहा है, उसका आप सम्मान कर रहे हैं। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ये बयान सीधे सीधे पवन सिंह पर दे रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। आगे उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे किसी के सम्मान से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सम्मान लायक है या नहीं ये मायने रखता है। तो क्या वो सम्मान के लायक है, ये आपको भी पता है कि नहीं है, लेकिन उनको सम्मान इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो खेसारी को गाली देता है। आगे खेसारी लाल पवन सिंह को लेकर बोले कि वो मुझसे 10 से 20 साल सीनियर है और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन उनके सोच से मुझे ऐसा लगने लगा है कि कहीं मैं गलत आदमी को सम्मान तो नहीं दे रहा हूँ। वहीं बार बार टारगेट होने के सवाल पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टारगेट वही होते हैं जो आगे होता है। मुझे गाली देने वाले 10 लोग हैं, लेकिन मुझे प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं और मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। खेसारी लाल यादव पवन सिंह पर तंज कसते हुए कहते हैं कि पवन सिंह को अपने नाम के आगे जी लगवाने का आदत है, लेकिन वो खुद दूसरों का सम्मान करना नहीं जानते हैं, सबसे रे रे कर बातें करते हैं। तो आखिर कब तक इन दोनों के बीच जो विवाद छिड़ी है कब तक खत्म होगी, ये देखने वाली बात होगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।